अभिषेक जी, चूंकि पार्टी अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर एक तो राजनीतिक तौर पर अपने आप को आप लोग स्टेबल करें, और दूसरा ये है यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि बैठ रहे हैं वो हैं जो कि या तो सत्ता में रहे हैं या भी मौजूदा दौर में सत्ता के अंदर हैं। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है, अगर मैं रेवाड़ी के बारे में समझना चाहूं या पूरे साउथ हरियाणा के अंदर, क्या आपको लगता है जो वादे या जो दावे या जो बातें यहां से कही जा रही हैं वो ग्राउंड के ऊपर हैं? सभी को नमस्कार। सर, रेवाड़ी शुरू से ही गलत में रहा है और आज भी आप देख रहे हैं कि इस मंच के माध्यम से भी कोई रेवाड़ी की आवाज उठाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं या जो काम पीछे हुए हैं उन्हीं को दोहराया जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज शहर में कोई काम नहीं हो रहा। आप कैटल फ्री शहर कहते हैं, इतने टेंडर छोड़े जा रहे हैं, हर जगह आप देखें पशु हैं, कुत्तों को पकड़ने के लिए लाखों रुपए के टेंडर छोड़ दिए। अभी पिछले सेशन में ही सब लोगों ने देखा है, आपके लाइव भी चल रहा था, मैंने देखा है कि स्टेज के ऊपर यहां तक कुत्ते आ गए थे। तो बताएं आप, विधायक जी बैठे हैं, अब ये नहीं पता कि विधायक जी को हम पक्ष की भूमिका में देखें या विपक्ष की भूमिका में देखें, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ही भाजपा ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरी जेड तक है। आप बताइए आम आदमी पार्टी का विजन क्या है, क्योंकि ये तो आरोप हो गया, आपने कहा गर्त में है, तो आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं। आप स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा का स्तर हमेशा नीचे गिराने का काम किया गया है। विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने कॉलेज पास करवा दिया, कॉलेज स्कूल में चलवा भी दिया, लेकिन वो स्कूल कहाँ गया? वो स्कूल के बच्चे आज ग्राउंड में पढ़ रहे हैं और बड़े लड़के या जो हैं वो अंदर पढ़ रहे हैं कक्षाओं में।